कॉमेडियन सिद्धार्थ सागर का घर वालों पर प्रताड़ना और पागलखाने भेजने का आरोप। मौसी के रूप में हिट रहे कॉमेडियन सिद्धार्थ सागर के अचानक गायब हो जाने से तहलका मच गया था। आखिरकार सिद्धार्थ सागर ने पहले वीडियो के माध्यम से अपनी स्थिति के बारे में लोगों को बताया और फिर रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि उनकी जिंदगी नरक हो गई थी। सिद्धार्थ ने आरोप लगाते हुए बताया कि इसकी शुरुआत तब हुई जब उनकी मां की जिंदगी में सुयश गाडगिल नामक व्यक्ति की एंट्री हुई। बता दें कि सिद्धार्थ के माता पिता 20 साल से अलग रह रहे हैं। सिद्धार्थ अपनी मां से काफी करीबी थे, लेकिन इसके बाद से वे काफी डिप्रेशन में चले गए। वह एक बुरे दौर से गुजरने लगे थे। उन्होंने इस बारे में अपने पेरेंट्स को बताया था और फिर उन लोगों ने उन्हें मेडिसिन पर रखना शुरू कर दिया और उन्हें लगा कि यह बाइपोलर बीमारी है। उस वक्त वह दुखी रहने लगे और खुद भी चौंक गए थे। उन्होंने कहा कि वह इस बीमारी के बारे में जानते थे, लेकिन उन्हें खुद में ऐसे कोई भी लक्षण नजर नहीं आए थे। इसके बाद उनके पेरेंट्स ने उन्हें खाने में ड्रग मिलाकर देना शुरू कर दिया था। सिद्धार्थ ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी भी अपनी कमाई का हिसाब किताब खुद नहीं संभाला है। बाद में मुझे महसूस हुआ कि माँ परेशान कर रही है और हमारे पास पैसे नहीं है। इस दौरान सिद्धार्थ ने कहा कि वे इतने अधिक डिस्टर्ब हो गए कि उन्होंने तय किया कि वे अब अपने घर से बाहर चले जाएंगे और कहीं दूर जाकर रहने लगेंगे। लेकिन वह वापस घर आए और उन्होंने सोचा कि वे रिहैब में जाकर ठीक हो जाएंगे, लेकिन सिद्धार्थ ने बताया कि उनकी हालत और खराब हो गई। रिहैब में उनके साथ बहुत गलत व्यवहार होने लगा। वहां के कुछ लोग उन्हें मारा करते थे। फिर उनके एक मैनेजर ने उन्हें वहां से निकालने में मदद की। जब वह घर पर होते थे तो सुयश से उनकी बहुत लड़ाई होती थी और उनकी जिंदगी धीरे धीरे जब बद से बदतर होती गई। तब आकर उन्होंने तय किया कि वे नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट फाइल करेंगे। ऐसे में जब सिद्धार्थ गोवा के लिए रवाना हुए तो वे उन्हें इन लोगों ने अपहरण कर पागलखाने में भेज दिया, जहां उन्हें काफी टॉर्चर किया गया। लेकिन जब उनकी मां को यह जगह महंगी लगने लगी तो उन्हें एक आशा की किरण नाम की जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। वहां के लोगों ने उन्हें नई शुरुआत करने के लिए प्रेरणा दी। सिद्धार्थ ने कहा है कि अब उनकी कोशिश है कि अब वे नए तरीके से अपने काम की शुरुआत फिर से करें और अब उन्होंने अपने परिवार से दूरी बना ली है। बता दें कि सिद्धार्थ और भारती सिंह को लेकर भी विवाद हुए थे, लेकिन बाद में वे स्क्रीन से गायब थे।